legacy of leaders at PGC Jhanjheri. भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए प्रत्येक महीने प्रत्येक महिला को 1500 रुपए दिए जाएंगे। अब आज स्थिति यह है कि 15 महीने गुजर चुके हैं और आज इस प्रदेश में एक भी महिला को जो ये वायदा करा गया था वो उनके साथ नहीं निभाया गया है। बात हम अगर युवाओं की करते हैं, मेरे जितने भी युवा साथी आज यहाँ पर उपस्थित हैं, सरकार ने बात यह भी करी थी, मैंने भी इस बात का संचालन आपके माध्यम से जनता तक करा था कि 1,00,000 नौकरियां इस प्रदेश के युवाओं को प्रत्येक वर्ष दी जाएंगी। गगरेट विधानसभा क्षेत्र की सच्चाई यह है कि एक भी सरकारी नौकरी पिछले 1.5 वर्षों में गगरेट विधानसभा क्षेत्र में नहीं आई है। अब आप सभी माताएं बहने खासकर जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, जो मेरे साथ जुड़े, आपने अपने इस बेटे को भाई को आगे करा, आपने एक जो है अरमान मेरे साथ भी सुझोया, एक आशा जो है आपने मेरे साथ भी जोड़ी कि आगे आने वाले वक्त में ये जो हमारा लड़का है गगरेट के लिए भी कुछ करेगा, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करेगा, अभयपुर के लिए कुछ करेगा, भद्रकाली के लिए कुछ करेगा। मैंने जो एक आपको खाका खींच के दिखाया तो जो मैंने अपने खुद के निजी सहयोग से कार्य करे थे, ना तो इस सरकार ने मेरे को उनको बढ़ावा देने के लिए मजबूत करा और ना ही जो वायदे इस सरकार ने और इस पार्टी ने मेरे माध्यम से और आपके माध्यम से जनता से करे थे उनको आगे बढ़ावा देने के लिए अपनी तरफ से अपने कार्यशैली को विकसित करा। ये दो बातें बहुत ज्यादा जानना और समझनी जरूरी है, क्योंकि आप जितने भी मेरे परिवार के साथी आज यहां बैठे हैं, हम सभी ये जानते हैं कि ये जो 1.5 वर्ष का दौर बीता है इसके आधार पे जो मैंने एक निर्णायक कदम 1.5-2 महीने पहले लिया, अब उसके होने के बाद उसके रिएक्शन में बहुत सारी बातें हमारी गगरेट में भी हो रही हैं। बोला जाता है कि जी धोखा हो गया। मैं आपका ध्यान इस बात पे आकर्षित करना चाहूंगा कि ये जो पार्टी ने जिसकी सरकार बनके आई थी, वो जो मुख्यमंत्री चुनके आया था, उसने कितना बड़ा धोखा इस क्षेत्र की जनता के साथ किया, इस प्रदेश की जनता के साथ किया है, उसको जानना समझना बहुत जरूरी है। वो लाखों हजारों युवा जो आज सरकार से अपेक्षित थे कि उनको नौकरी मिलेगी, 1.5 साल से उनकी आशाओं और अरमानों पे पानी फेरा गया है। आप सारी माताएं और बहनें जिनको आज भी अपनी मान सम्मान की स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी पड़ रही है और उन आशाओं पे पानी फेरा गया है इस सरकार के द्वारा जिसने आप सभी के साथ एक झूठा वायदा करा था, कहीं ना कहीं अगर हम धोखे की बात करते तो सरकार ने धोखा जो है आप सभी महिलाओं के साथ और हमारे युवाओं के साथ करा है, इसके बारे में चर्चा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये जो चुनाव का दौर आया है, जैसे मैंने कहा, एक आपातकालीन स्थिति में आया चुनाव है। ऐसा तो है नहीं कि 2022 में जब चुनाव हुआ था 2027 आ गया, जिस एग्जाम में आपने मेरे को 2022 में बिठाया था उसका जो फाइनल परिणाम है, उसका जो रिजल्ट है, वो तो 2027 में आना था। ये तो मेरे किसी एक्शन के कारण, मेरे द्वारा लिए गए एक निर्णय के कारण एक आपातकालीन स्थिति आई जिसके कारण ये चुनाव हो रहा है। वो आपातकालीन स्थिति क्या थी कि जैसे आप सभी जो हमारे अभयपुर पंचायत के रहने वाले हैं, जब आप अपने प्रधान को या किसी वार्ड मेंबर को चुनते हैं तो ये आपका हक है कि आप गुणवत्ता के आधार पर किसी व्यक्ति के पक्ष में वोट करें। वैसे ही हर एक विधायक को यह अधिकार होता है, संवैधानिक अधिकार होता है कि वो राज्यसभा के इलेक्शन में किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करे। मैंने तो उसी संवैधानिक अधिकार का सदुपयोग किया था। सदुपयोग करते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी थे उसके पक्ष में वोट किया। अब जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था, मजे की बात यह है कि वो तो कांग्रेस बैकग्राउंड का व्यक्ति था। राजा वीरभद्र सिंह को आप सब जानते हैं। राजा वीरभद्र सिंह कांग्रेस पार्टी की सरकार के 6 बारी के मुखिया थे। तो जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था वो तो उन्हीं की 2 बारी की कैबिनेट में रहा हुआ मंत्री था। हिमाचल की हिमाचलियत को समझने वाला व्यक्ति है, चंबा क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति है। तो अगर मैंने ऐसे व्यक्ति के पक्ष में वोट किया तो क्या गलत किया, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रत्याशी को खड़ा करा था वो तो ना हिमाचल का रहने वाला था, ना हिमाचल की धरातल की दिक्कत परेशानियों को समझता जानने वाला व्यक्ति था। तो अगर मैंने ऐसे प्रत्याशी के पक्ष में वोट नहीं किया तो क्या गलत किया। और जैसे मैंने कहा, ये मेरा संवैधानिक अधिकार था
ये तो मेरा गैर कानूनी तरीके से गला काटा गया है। जिस लड़के को अपने जिस भाई और बेटे को आपने चुन के हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भेजा, उसका टाइम से पहले ही निष्कासन कर दिया गया। ये बात भी कहीं ना कहीं भ्रांति फैलाने के लिए करी जाती है कि ओ जी इन्होंने तो अपमान कर दिया जनता के वोट का और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया था, मेरे को अवैध रूप से निष्कासित करा गया था। जो हम हिमाचल प्रदेश के 6 कांग्रेस के विधायक थे जिन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए वोट किया था भाजपा के प्रत्याशी के लिए, हमें निष्कासित करा गया था। तो ये जो अनादर है, अपमान है, ये आपके अभयपुर के इस लड़के का है, आपके बेटे और भाई का है। इस बात को जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपसे गुहार लगाना चाह रहा हूं आपके गांव का बेटा होने के नाते। देखिए मेरे कार्यकाल में भी 1.5 साल का जो वक्त बीता है, हो सकता है उसमें कोई कमी पेशी रही होगी। जितना मैं कर सकता था या जितना मेरे को करना चाहिए था मैं नहीं कर पाया हूं। मैं अपनी त्रुटियों से, अपनी गलतियों से भी सीखने के लिए आपके साथ खड़ा हूं, आपकी बात को समझूंगा। आगे आने वाले वक्त में आपका ये बेटा जो भाई है आपके लिए काम करेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। ये जो 1.5 साल का वक्त बीता है ये मेरे लिए भी बहुत कष्टदायक और संघर्षशील बीता है। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को जाने और समझें। एक जो विधायक होता है उसको जो 50 लाख रुपए की धनराशि हर 3 महीने सरकार के द्वारा दी जाती है, उससे उसको जन कल्याणकारी मूलभूत सुविधाओं को आगे बढ़ावा देने के लिए लगाना होता है। आपकी सड़क की दिक्कत, आपकी पानी की दिक्कत, आपका खड़ंजा बनना है, किसी की पर्सनल दिक्कत है, उसके लिए वो काम लगता है। 6 महीना बीत गया इस सरकार का। जनवरी में जब ये सरकार बनी थी तो जून तक का महीना पिछले साल का बीत गया और हम 66 के 66 विधायकों को हमारी विधायक निधि ही नहीं दी गई। अब अभयपुर गांव में अगर मैं आपके बीच में आ रहा हूं, अपने के साथ बैठ रहा हूं, आपने मेरे को अपने घर में खाना खिलाना है, पानी पिलाना है, मेरे को बोलना है कि जी ये काम करा देना, ये चीज कर देना, आपने तो बोल देना ये तो घर का ही लड़का है, हमें बोल के हां जी बोल के चला गया, काम ही नहीं हुआ। मैं आपको अपनी दुख दर्द और पीड़ा से जो है वास्ता कराना चाहता हूं कि मेरे को इस सरकार ने पिछले इस 1.5 वर्ष में इतना असमर्थ बनाया कि जो चीजें रेगुलर तरीके से होनी चाहिए थी, प्रोसीजरल तरीके से होनी चाहिए थी, हमें उसमें भी जो है हम उसको भी भरपूर तरीके से ना कर पाए, हम उसमें भी नाकाम हो जाए, इसके लिए हमें जो है इतनी दुर्लभ परिस्थिति में इस सरकार के मुखिया ने हमें डाल दिया। अब जो हम 6 विधायकों ने एक निर्णायक कदम लिया और आज जो इस प्रदेश की परिस्थिति है, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आप सबको अवगत कराना चाहूंगा कि इस बारी आप अपने घर के इस बेटे को सिर्फ विधायक बनाने के लिए वोट नहीं कर रहे होंगे। इस बारी अभयपुर से जो आवाज उठेगी, भद्रकाली से जो आवाज उठेगी, वो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए आवाज उठ रही होगी। और अब जब इस बारी विधानसभा के इलेक्शन में आप मेरे को अपना आशीर्वाद देके आगे बढ़ाएंगे तो अभयपुर का नाम जो रोशन होगा वो सिर्फ एक विधायक बनाने के लिए नहीं होगा, वो मैंने जैसे कहा हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए होगा। क्योंकि मुझ जैसे जो और अन्य 5 विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, ये निश्चित है कि हम 6 के 6 जीत के विधानसभा जाएंगे। और जब हम 6 के 6 जीत के जाएंगे उससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार हमारे प्रदेश में बनने वाली है। अब देखिए जैसे मैंने कहा कि कमी पेशी भी अगर रही होगी तो उसको भी भरपूर तरीके से कवर करने की जिम्मेदारी मेरी है। आज मैं आपके बीच में आया हूं, आप भी मेरे को फीडबैक दीजिएगा कि क्या दिक्कत परेशानियां हैं, जो आप चाहते हैं कि आगे आने वाले वक्त में अगर कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर मेरा फोकस नहीं रहा जो मेरे को करनी चाहिए। जहां तक हमारे यहां पर पानी की बात थी, आज जो हमारे 5 वार्ड है हमारे गांव के, बदवाड़ा की जो स्कीम है उससे जो हमारे यहां पर स्टोरेज का टैंक बन रहा है उससे कनेक्ट होने वाली है। आगे आने वाले वक्त में हमारे इस क्षेत्र में, हमारे गांव में 24 घंटे की पानी की उपलब्धि सबको हो, उसके लिए निरंतर प्रयास करे जा रहे हैं। परंतु मेरे को आपका सहयोग जरूरी इसलिए है ताकि इन स्कीमों पर भी धरातल को पे उतारने के लिए जो सहयोग मेरे को सरकार की तरफ से चाहिए वो मेरे को भरपूर तरीके से मिल सके। आपका योगदान इसलिए मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सड़क की हम बात करते हैं, चाहे वो के हमने ठानी, पीछे ना मुड़ के देखें।
की है मनमानी, दुनिया की भीड़ से हटके हमें है नए से रस्ते, अपना नाम कमाना है हमें आगे बढ़ते जाना है, हमें आगे बढ़ते। Join the legacy of leaders at TGC Jhanjeri. भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।